आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। जय नमः नमो नारायण। मित्रों राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातक एवं जातिकाओं का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में, इनके रहन सहन खान पीन आदि भविष्य के बारे में, माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार रिश्ते को लेकर, प्रेम रिश्ते यहाँ पे पति पत्नी बीच के रिश्ते को लेकर, धन संपत्ति आदि को लेकर, यहाँ पे कूटनीतिक राजनीतिक सामाजिक कला संगीत आदि क्षेत्रों को लेकर संपूर्ण जानकारी लेंगे। भौतिक सुख सुविधा आदि, देश विदेश उच्च शिक्षा को लेकर, यहाँ पे कुंभ लग्न वाले कैसे होते हैं, संपूर्ण रियल वास्तविक भविष्य बारे के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहेगी। जय माता जी, जय दुर्गा भवानी माता। दोस्तों यहाँ पे कुंभ लग्न वाले जो जातक एवं जातिकाएं हैं, इनका कद अक्सर पतला एवं दुबला देखा जा सकता है, मोटे भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं ये लोग, गर्दन पीठ कमर और पैर लंबे हो सकते हैं। इनके बाल के देखा जाए तो घने और हेयर स्टाइल साधारण होती है। इनके चेहरे की जो बनावट होती है काफ़ी सुंदर होती है, जिससे गंभीर का आभास होता है। इनकी आँखें काफ़ी चमकदार होते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये जैसे किसी अजीब खोज में लगे रहे हैं। तो इनके पूरे व्यक्तिगत को आते हैं, उनके किसी भी प्रकार की दिखावा नहीं होती। आप बात प्राकृतिक के होते हैं और होते हैं एवं प्रय सिर दर्द, पेट दर्द, अपच तथा पेट की अन्य बीमारी के अन्य होने के भय भी ज़्यादा रहते हैं। तो कुंभ लग्न की जो व्यक्ति हैं, वायु तत्व पदवान राशि के कारण ऐसे जातक मिलनसार स्पष्टवादी एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले उदार एवं रहते हैं। नई नई नेत्र मित्र, नई नई मित्र बनाने एवं स्थायी संबंधी बनाने वाले कुशल होते हैं। ये अच्छे श्रोता होते हैं, अपने दोस्त का बहुत ख्याल रखते हैं। कृतज्ञ स्वभाव के होने के कारण ये किसी मित्र अपनी संबंधी द्वारा किए गए उनका उपकार भी करते रहते हैं, कभी नहीं बोलते, किसी कपट एवं व्यवहार के भी जीवन पर बुला पाते हैं। तो ऐसे जातक के किसी बुरे व्यवहार प्रतिशोध लेने में पीछे नहीं हटते। कुंभ लग्न के जो जातक हैं, अनुसंधानात्मक एवं प्रबंधता योग्यता भी विशेष होती है। तो यहाँ पे माने आप ना माने इस बात में, अगर इनकी जो आपका सुख आनंद एवं जीवन जीने वाले व्यतीत करने वाले होते हैं, इस पर धर्म तथा ज्ञान में अच्छी रुचि रखने वाले होते हैं, तो आप दूर पाप और दुराचार से भी दूर रहने वाले यशस्वी धनी मिलनसार सुगमता एवं पूर्वक कार्य करने वाले निपुण तथा सर्वज्ञ प्रिय मित्रों के प्रतीत रखने वाले होते हैं, सबका सम्मान करने वाले होंगे। अपनी मित्रता सदा पड़े लोगों की से ये विशेष रूप से एक दूसरों की संभावात को करने वाले, सम्मान करने वाले, प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती, लेकिन काफ़ी मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले होते हैं। इन्हें उचित लगता है कि उनके जीवन में अति क्षण तक लड़ने की तैयार रहते हैं, तो या दूसरों को उपदेश देने में काफ़ी स्वयं अपने आप को विश्वास रखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए मकर लग जो कुंभ लग्न के जातक जातिकाएं हैं, कुंभ लग्न वाले जो जातक एवं जातिकाएं हैं, इनके लिए थोड़ा सा सांस की दृष्टि दोष, शरीर में मंचिल अंगों के हड्डियों के अक्सर ज़्यादा रक्त विकार के संभावना ज़्यादा होते हैं, और ये थोड़ा सा समस्या से ग्रस्त रह सकते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण समस्या ज़्यादा होती है, दिल की समस्या ज़्यादा हो सकती है, और यहाँ पे क्या होती है कि इनके जीवन में किसी एलर्जी की समस्या ज़्यादा रहती है, बीमार संबंधी तांत्रिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिए देखा जाए तो ये लोग काफ़ी दूसरे को सभावाद करने की इच्छा नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पे उनकी बातों को सुनना इनके लिए जीवन में काफ़ी मायने रखती ही हैं। ये शर्मीले, संदेशील, कोमल एवं दिखावे काफ़ी ज़्यादा होते, इच्छा शक्ति, उच्च शक्ति आदि इनके जीवन में रहती है, मार्गदर्शन किसी अन्य चीज़ों की रहती है, विचार प्रति संदेशील रहते हैं। तो ये यहाँ पे व्यवहारिक लुभाते हैं, लेकिन इनके जीवन काफ़ी अच्छी रहती है। ये लंबे काफ़ी अच्छे कंधे वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपकी कुंडली में शनि देव इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, इस कुंडली के योग कारक ग्रह माने जाते हैं, कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, पंचम एवं सप्तम, नवम, दसम आया भाव में अगर विराजमान शनि देव आपके अंतर्दशा महादशा में काफ़ी सुफल को देंगे, सुफल को प्रदान करेंगे, तो अपनी क्षमता अनुसार ये काफ़ी अच्छा सुफल भी देते हैं। अगर शनिदेव तीसरे नीच राशि, षष्टम, अष्टम, बारहम भाव में शनिदेव हैं, तो योग कारक खोकर अपनी दशा, अंतर दशा में ये असुफल को देते हैं, कष्ट देते हैं। तो
यहाँ पे शनिदेव इन भावों में पड़े हैं, तो आपको निर्मल हैं, अस्त हैं, तो क्या कर सकते हैं, रत्न नीलम को धारण कर सकते हैं और शनि देव को बल बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति कुंभ लग्न में दूसरे 11 भाव का कारक ग्रह माने गए हैं, तो इनके समय होने के कारण योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो कुंडली के दूसरे चौथे चौथे पंचम एवं सप्तम एवं नवम एवं दसम आयाभाव में अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा महादशा में काफ़ी सुख पल को देते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अपनी यहाँ पे ये क्या है कि ये अष्टम बारहम और तीसरे भाव में पड़े हैं, तो ये अशुभ फल को ही देते हैं। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के लिए थोड़ा सा रत्न पुखराज पहनकर आप इनके लिए योग्यता बढ़ा सकते हैं, बल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मंगलदेव अशुभ, यहाँ पे मंगलदेव तीसरे और दसवें भाव के मालिक होकर शत्रु होने के कारण से कुंडली में समग्रह माने जाते हैं, लेकिन स्थिति अगर देखा जाए तो इच्छा अनुसार यहाँ पे बुरा फल देते हैं। तो यहाँ पे पहले दूसरे चौथे पंचम एवं सप्तम नवम दसम भाव ग्यारह भाव में अगर ये स्थिति मंगलदेव की अंतरदशा महादशा में क्षमता अनुसार शुभ फल को ही देते हैं, लेकिन तीसरा भाव छष्टम भाव अष्टम भाव बारहम भाव में अगर मंगलदेव पड़े हैं तो अंतरदशा महादशा में काफ़ी अशुभ फल को ही देते हैं। कामकाज में वृद्धि नहीं होती, यहाँ पे रुकावट होती, लेकिन आप उसमें मुगा धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष की सलाह सुझाव लें। कुंभ लग्न की जो है कुंडली, अगर किसी भी जातक के लिए शुक्रदेव के लिए देखा जाए तो ये चौथे भाव एवं नवम भाव के योग कारक त्रिकोण के समय माने जाते हैं, तो योग कारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में पहले दूसरे चौथे पंचम सप्तम नवम एवं दसम आयाभाव में विराजमान हैं, तो शुक्रदेव आपके अंतरदशा महादशा में काफ़ी शुभ फल को देते हैं। और तीसरे छष्टम अष्टम नीच राशि बारहम भाव में पड़े तो शुक्रदेव योग कारक होकर अपने अशुभ फल देते हैं, तो इस समय आपको हीरा पहनकर उनकी बल को बढ़ाया जा सकता है, दान पुण्य करके भी उनकी योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बुध देव देखा जाए तो कुंडली के पांचवें अष्टमें एवं भाव के स्वामी हैं, तो अति मित्र हैं कुंभ लग्न के, तो जिसके कारण से ये योग कारक ग्रह माना जाते हैं। कुंडली के पहले भाव लग्न भाव, सुख भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम दसम आयाभाव एवं बुध देव पड़े हैं, तो इस अवस्था में ये अंतरदशा महादशा में काफ़ी शुभ फल को देते हैं। और दूसरे नीच राशि में तीसरे छष्टम अष्टम बारहम भाव में पड़े हैं तो ये अशुभ फल देते हैं। तो परंतु छष्टे अष्टम भाव एवं बारहम भाव में पड़े बुध देवता विवर्त राजयोग में आ जाए तो शुभ फल को भी देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लग्न शनि का बलि होना काफ़ी आवश्यकता है, अनिवार्य है। और कुंडली में किसी भी भाव में यदि बुधदेव हैं तो अस्त हैं तो उनका रत्न पहनकर उनका बल को बढ़ाया जा सकता है। अब आती है चंद्रदेव की बारी। चंद्रदेव इस कुंडली के स्वामी विशेष रूप से रोगेश हैं, तो लग्नेश की अति शत्रुता है कुंडली में, यह ग्रह मारक माने जाते हैं, तो चंद्र देव अंतरदशा महादश में कष्टकारी ही होते हैं। तो दोस्तों चंद्र अष्टम एवं अष्टम बारहम भाव में विपरीत राजयोग में आ जाए तो कुछ शुभ फल को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लग्नेश शनिदेव शुभ होना अति अनिवार्य है। चंद्रदेव का रत्न मोती इस लग्न में कभी नहीं पहनना चाहिए। अब अंत में आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव को देखा जाए तो यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव में स्वामी हैं और अष्टम से अष्टम का नियम का अनुसार कुंडली में अति मारक बन जाते हैं, तो कुंडली के किसी भी भाव में सूर्यदेव अंतरदशा महादशा में अच्छा फल नहीं देंगे, कष्टकारी होते हैं, अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल को देते हैं। तो यहाँ पे आपको रूबी एवं मणि के कभी धारण नहीं करना चाहिए, जातक कुशल ज्योतिष की सलाह ही लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कुछ शुभ फल को प्राप्ति हो सकती है। तो राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। दोस्तों हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता जी।